Hello my dear students, welcome to Fundo Tutor platform. In this video I will explain you about for whom to produce. The problem of for whom to produce. Naam se hi pata lag raha hai kiske liye banaye hai na. To aaiye start karte hain iske bare mein. Ye kya hai? Ye ek central problem hai. Wo wali problem hoti hai jo ki common hoti hai every economy mein. Whether it is Indian economy or it is Chinese economy or it is American economy. मतलब ये वाली प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में दिखती है. सो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम. मतलब इसे इंडिया भी फेस करता है, इसे रशिया भी फेस करता है, इसे अमेरिका भी फेस करता है कि किसके लिए बनाए. नेक्स्ट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग द क्लास ऑफ पीपल फॉर होम द प्रोडक्शन विल बी डन. मतलब जैसे कि हमें पता है हमारी जो सोसाइटी है वो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है और वो सेक्शंस है रिच पीपल, मिडिल क्लास पीपल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल. तो यहाँ पर फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमें यही डिसाइड करना होता है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तो प्रोडक्शन किसके लिए करें, रिच पीपल के लिए करें, मिडिल क्लास पीपल के लिए करें या इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए करें. तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग कि कौन से क्लास ऑफ पीपल के लिए हमें प्रोडक्शन करनी है. नेक्स्ट, इसका अदर नेम मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस को और क्या बोला जाता है. इसे बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए देखो बेटा फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जरूर इन्वॉल्व होते हैं. मतलब हमें लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, कैपिटल भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए एंड एंटरप्रेन्योर भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. तो लैंड को हम क्या देते हैं रिटर्न में, अगर हम किसी का लैंड यूज करते हैं तो हम लैंड ओनर को रेंट देते हैं रिटर्न में, लेबर को हम वेजेस देते हैं रिटर्न में, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं. तो ये इनका क्या होता है, इनकम होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब प्रोडक्शन करी अब उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम पर इन चारों का हक है. क्यों इन चारों का हक है, क्योंकि इन चारों को यूज करके ही प्रोडक्शन की गई है. लैंड को भी यूज किया गया है, लेबर को भी यूज किया गया है, एंटरप्रेन्योर को भी यूज किया गया है एंड कैपिटल को भी यूज किया गया है. फॉर होम टू प्रोड्यूस के केस में हमें ये भी देखना होता है कि लैंड को, लैंड ऑनर को रेंट कितना देना है, लेबर को वेजेस कितनी देनी है, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना देना है एंड एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट रेट मिलना चाहिए. सो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. गाइडिंग प्रिंसिपल, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है कि किसके लिए बनाए. Most urgent needs of maximum number of people should be satisfied first. जो सबसे ज़्यादा urgent ज़रूरतें हैं जिनके लिए रुका नहीं जा सकता बहुत सारे लोगों की, सबसे पहले उन्हें पूरा किया जाए फिर दूसरे लोगों के लिए production की जाए. तो I hope आपको for whom to produce की problem समझ में आई होगी. Thank you so much.